तो भैया बात ऐसी है, अगर आपको पसंद है जॉन विक, अगर आपको पसंद है जॉन विक, सीसू, रेड वन, रेड टू, अगर आपको ऐसी एक्शन मूवी पसंद है तो आपको किल देखने में भी बहुत मज़ा आएगा। एक नंबर की मुझे मूवी लगी है, बिल्कुल ही ब्रुटैलिटी वाला एक्शन दिखाया गया है इसमें। और सबसे बड़ी बात है, जो एक ट्रेन के अंदर सारा सीक्वेंस है, पूरी मूवी एक ट्रेन के अंदर निकल जाती है। बहुत ही तगड़े और ऐसे ग्रूसम एक्शन है, ऐसे ग्रूसम एक्शन है कि आपको देख के मज़ा ही आने वाला है। जिन जिन लोगों को एक्शन मूवी बहुत ज़्यादा पसंद आती है, उनके लिए ये मस्ट वॉच है। और ये एक हमारे इंडिया से रिप्लाई है जॉन विक, सीसू और रेड वन और रेड टू मूवीज़ का, कि भाई हम भी अच्छी मूवी बना सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम भी अच्छी एक्शन मूवी बना सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। और इसमें जो हमारे जो एक्ट्रेस है, वो है जो विलन का जो कैरेक्टर है, वो बहुत ही, मुझे पर्सनली वो बहुत ही, जो कैरेक्टर है वो बड़ा ही मतलब ग्रूसम लगा। मतलब उसमें मेरे को ऐसा लगा कि इसको मार ही दो यार साले को, उसको जिंदा ही मत छोड़ो, उसको इसको सबसे पहले इसको मारो। अगर कोई ऐसा कैरेक्टर मेरे सामने आता हो, मैं सबसे पहले उसको ही मारूंगा। तो वो कैरेक्टर जो प्ले किया है, वो प्ले किया है हमारे राघव जुयाल ने। मतलब उनकी एक्टिंग की मैं दाद देता हूँ भाई साहब, उन्होंने जो एक्टिंग करी है, मज़ा ही आ गया मूवी देख के। जो हमारे एक्टर है, जो हमारे एंटेगनिस्ट दिखाए गए हैं इस मूवी में, उनका नाम है लक्ष्य। अब इनको आप पहले, अगर आप टीवी ज़्यादा देखते होंगे तो आपने इनको पोरस में देखा होगा। पोरस जो वो आया था, क्या नाम है, टीवी सीरियल आया था, आपने इनको उसमें ज़रूर देखा होगा। तो इन्होंने इस मूवी से वो किया, अपना डेब्यू किया है काइंड ऑफ। तो इनकी भी एक्शन, इनको जो ये इनकी इनके पास डायलॉग बहुत कम है मूवी में, बहुत कम डायलॉग दिया है, क्योंकि इनको सारा जो इनका काम है वो एक्शन से हुआ है। इनके इनके फेस, इनकी आंखों ने जो एक्टिंग की है, जो बातें बोली है, वो बहुत सही है। और जो इन्होंने एक्शन किया है वो भी काफ़ी अच्छा है। मतलब जिस तरह से डकैतों को मारते हैं और विलन्स को मारते हैं, ऐसी जो जो भी इन्होंने फाइटिंग सीक्वेंस किए हैं ट्रेन में रहते हुए, वो भी बहुत एकदम मस्त मज़ेदार है। अगर आप ये मूवी, अगर आप एक्शन के बहुत बड़े फ़ैन हैं, एक्शन मूवीज़ के बहुत बड़े फ़ैन हैं, तो आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ कि आपको ये मूवी बिल्कुल से बिल्कुल देखनी चाहिए। अगर आपने ये मूवी अभी तक नहीं देखी है, और आपको थोड़ा सा प्रोमिसेस मैं बताना चाहूँ, तो ऐसा है कि इसमें मूवी में हल्की सी लव स्टोरी है। जो हमारी एक्ट्रेस हैं, उनका नाम है तानिया मनकीताला, और ये लक्ष्य जो है उनकी लव इंटरेस्ट का रोल जो है वो प्ले करती हैं। और इनकी, मतलब ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड मूवी की तरह के भाई सारा ही उसमें वो दिखा दिया हो कि भाई लव शब दिखा दिया, पूरी की पूरी वो लव स्टोरी में ही वो सब कुछ चला, स्टोरी चलती हो। नहीं, ऐसा नहीं है। 10 मिनट के अंदर स्टोरी शुरू होती है, 10 मिनट, और मुश्किल से 1 या 2 मिनट आपको लव एंगल दिखाई देता, उसके बाद पूरा पूरी जो स्टोरी है, पूरी जो मूवी है, वो आपको फुल्ली एक्शन और उसमें क्या नाम है, एकदम शुगर रश में, एकदम एक्शन रश में आपको घिसेड़ ले जाती है। भाई अब देखो कि हम क्या करते हैं इस मूवी में। बहुत ही मैं क्या बताऊँ, मैं बहुत ही तारीफ़ कर रहा हूँ इस मूवी की, क्योंकि तारीफ़ करने लायक है मूवी। इसलिए मैं इतना सब कुछ बोल पा रहा हूँ इस मूवी का, क्योंकि बहुत टाइम बाद हमें एक ऐसी मूवी देखने को मिली है जिसमें इतना गंदा, इतना बढ़िया एक्शन किया गया है। अगर मैं स्टोरी की बात करूं, तो स्टोरी ऐसा है कि कुछ ट्रेन एक एक ट्रेन जो ट्रेन की जर्नी में कुछ डकैत, कुछ नहीं, बहुत सारे डकैत बाद में आ जाते हैं। डकैतों ने लूटपाट मचानी शुरू कर दी थी, और उसमें दो कमांडोज होते हैं जो कि उस लूट में फंस जाते हैं, काइंड ऑफ उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। और उसके बाद की जो कहानी वो आगे बढ़ती है कि कैसे जो कमांडोज दो हैं वो कैसे इस ट्रेन को लूटने से बचाते हैं, कैसे उन जो लुटेरे हैं उनको न्यूट्रलाइज करते हैं, उनको मारते हैं। इस सारे प्रेमिसेस पे ये कहानी आगे बढ़ती है। अब ट्रेन में एक ऐसा बाहुबली आदमी होता है जो अगर बच गया, जो अगर इनके हाथ से निकल गया, तो वो उनको नहीं छोड़ेगा ट्रेन से उतरने के बाद। अब वो जो होता है, वो हमारी जो हीरोइन है, हमारी जो एक्ट्रेस है, उसका पिता होता है। इतना मैं आपको स्पॉइलर दे सकता हूँ अगर आपने मूवी नहीं देखी है तो, क्योंकि इसमें इतना कुछ बात, कोई बात है नहीं। बट इसका जो एक्शन कोरियोग्राफ किया गया है, ट्रेन के इतने से जो माहौल, इतने से जो माहौल में जो लड़ाई होती है पूरी, वो आपको ज़रूर देखनी चाहिए भाई साहब। एकदम मस्त काम, मक्खन काम कर रखा है।
और हाल ही में पता चला है कि इसके जो राइट्स है वो लॉयंस गेट ने खरीद लिए हैं। देखो अब हॉलीवुड वाले हमारी जो है उसकी कॉपी करेंगे, मूवीज की कॉपी करेंगे, तो ये कितनी बड़ी बात है। बाकी अगर इस मूवी का आपको पूरा पूरा इंटायर रिव्यू चाहिए कि भाई ये मूवी है कैसी, इसमें क्या क्या होता है और किस किस तरह से वो सारी चीज़ें मूवी में आगे आगे चलती हैं, तो आप मेरे को बिल्कुल कमेंट डाउन कर सकते हैं, मैं आपके लिए इसका पूरा फुल रिव्यू लेके आ जाऊँगा। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, और जय श्री राम, जय हिंद।